तो दोस्तों, आपने ये जानने के लिए इस वीडियो पे क्लिक किया है कि लैपटॉप लेना चाहिए या डेस्कटॉप लेना चाहिए, कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा। और बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में भी मुझे ये बार बार सवाल पूछते हैं कि सर आप हमें सजेस्ट कीजिए, हम कंफ्यूजन में हैं कि भाई लैपटॉप ले या डेस्कटॉप ले, कौन सा सही रहेगा काम करने के लिए। तो चलिए, अगर आप इंटरेस्टेड इस सवाल का जवाब जानने के लिए, तो मैं सतीश कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन। तो दोस्तों, लैपटॉप ले या डेस्कटॉप ले, इसको बताने के पहले मैं लैपटॉप लेने की कुछ खास वजह आपको बताऊंगा और फिर डेस्कटॉप लेने की भी खास वजह बताऊंगा। तो इसको डिफरेंशिएट करके आप समझ जाएंगे कि आपके लिए ज़रूरी कौन सा है, कौन सा आपको लेना चाहिए। इस वीडियो के एंड तक आप ज़रूर समझ जाएंगे। तो दोस्तों, लैपटॉप लेने की सबसे पहली वजह मैं आपको बताता हूँ कि आपके घर में स्पेस कम है, तो उस केस में आप लैपटॉप ले, क्योंकि लैपटॉप को आप कहीं पे भी लेके बैठ सकते हैं, आराम से उसे एडजस्ट कर सकते हैं। घर में स्पेस कम है तो अगर आप कंप्यूटर इस केस में लेते हो, तो कंप्यूटर के लिए आपको टेबल या ट्रॉली एडजस्ट करनी पड़ेगी, राइट? तो वहाँ पे जगह ज़्यादा जाएगी। तो अगर आपके पास स्पेस की कमी है तो लैपटॉप ले, पहला रीज़न। तो दूसरी खास वजह मैं लैपटॉप लेने की आपको बताता हूँ, अगर आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, यानी कि कभी भी पावर कट हो जाता है, राइट, तो लाइट कभी भी चली जाती है, तो बेसिकली उस टाइम पे आपको लैपटॉप सही रहेगा, क्योंकि डेस्कटॉप में फिर आप काम नहीं कर पाएंगे जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी। और लैपटॉप में बैटरी बैकअप आपको लगभग 3-4 घंटा 5 घंटा अलग अलग लैपटॉप की बैटरी के हिसाब से मिल जाता है, तो आपको बैटरी बैकअप मिलता है, तो आप वहाँ पर काम कर सकते हैं बैटरी को रिचार्ज करके। तो बेसिकली उस केस में लैपटॉप अच्छा रहेगा। अगर आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा है तो लैपटॉप ले, सेकेंड वजह, राइट? और तीसरी बड़ी वजह लैपटॉप लेने की ये है कि भाई अगर आपका काम, मतलब आपका कभी घर पे काम है कभी ऑफिस में काम है, तो आपको लैपटॉप कैरी करना पड़ता है ऑफिस, या फिर आप टीचर है तो आपको स्कूल और कॉलेज में लैपटॉप लेके जाना पड़ता है, आप स्टूडेंट है तो भी आपको लैपटॉप लेके जाना पड़ता है, या फिर आपके घर में मेहमान आते हैं तो आप घर पर बाहर जाके स्टडी कर सकते हैं आराम से, कहीं भी बैठ के, पेड़ के नीचे बैठ के भी लैपटॉप पर स्टडी कर सकते हैं आराम से, राइट? क्योंकि वहाँ पर पावर लगाने की जरूरत नहीं, अलग सा आप कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी एक बेस्ट फीचर है और उसका वेट जो है लगभग आप देखेंगे 2 kg के वेट में लैपटॉप मिलते हैं, तो वो बहुत ही इजीली कैरी आप कर सकते हैं दोस्तों। तो लैपटॉप कैरी करने के लिए इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप। आप डेस्कटॉप को सर पे उठा के तो ऑफिस में नहीं लेके जाओगे ना रोज रोज, इसीलिए इस केस में आपको लैपटॉप ही लेना चाहिए। तो तीन बड़ी वजह मैंने आपको बताई, अगर आप इस सिचुएशन में है तो आप लैपटॉप ले। तो दोस्तों, ये थी तीन बड़ी वजह लैपटॉप लेने की। लेकिन अगर लैपटॉप नहीं, आपको डेस्कटॉप खरीदना है, तो डेस्कटॉप लेने की बड़ी वजह कौन कौन सी हो सकती है मैं अभी बताने वाला हूँ। सबसे पहले, अगर आपके पास पावर कट का प्रॉब्लम नहीं है और आपको स्पेस का भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन स्पेसिफिकेशन का प्रॉब्लम है, यानी कि आप अच्छा स्पेसिफिकेशन चाहते हैं अपने सिस्टम के अंदर, तो बेसिकली आप उस केस में डेस्कटॉप ही ले, क्योंकि डेस्कटॉप को आप प्रॉपरली असेंबल कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आप अपग्रेड करें अपने कंप्यूटर को, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, आपके सिस्टम को आप अपग्रेड कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं, आप रैम बढ़ा सकते हैं, मदरबोर्ड चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे ग्राफिक कार्ड बदल सकते हैं, हार्ड डिस्क बदल, सारी चीज़ें वहाँ पे बदली जा सकती है। बेसिकली अगर आप लैपटॉप में देखोगे तो लैपटॉप में एक छोटी सी जगह पे सारी चीज़ें फिट की रहती है और वो चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, रैम वगैरह के लिए एक्स्ट्रा स्लॉट दिए रहते हैं, बट वो कॉम्पेटेबिलिटी का प्रॉब्लम वहाँ पे आता है, लेकिन डेस्कटॉप में ऐसा नहीं होता है। डेस्कटॉप के पार्ट्स आपको इजीली अवेलेबल मार्केट में मिलते हैं, तो रिपेयरिंग, अपग्रेडेशन, ये सारी चीज़ें आपको इजीली यहाँ पे मिल जाती है। दूसरा चीज़, आप चाहते हैं कि आपका काम अच्छे से हो, प्रॉपरली हो, आप ग्राफिक्स काम करना चाहते हैं और घंटों काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे क्या है कि हीट का बहुत इशू हो जाता है लैपटॉप में, मतलब लैपटॉप गर्म हो जाता है, राइट? क्योंकि अगेन छोटी सी जगह पे सारी चीज़ें एडजस्ट की रहती है, राइट? तो उसमें हीट का प्रॉब्लम होता है, वहाँ पे कूलिंग प्रॉपर नहीं होता है, लेकिन सीपीयू के केस में ऐसा नहीं होता है। सीपीयू के केस में इसलिए ऐसा नहीं होता है क्योंकि सीपीयू में सारी चीज़ें प्रॉपरली एडजस्ट की रहती है, कूलिंग के लिए अलग सा फैन रहता है सीपीयू के ऊपर और प्रॉपरली वो कूल करता है, तो हीट डिसिपेशन प्रॉपरली मैनेज होता है। और आपका अगर सिस्टम गर्म नहीं है तो वो प्रॉपरली काम करेगा, तो भाई उसे कूल रखना बहुत जरूरी है और वो डेस्कटॉप अच्छी तरह से कर पाता है, तो इसलिए वहाँ पे उस केस में आपको डेस्कटॉप लेना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी वजह डेस्कटॉप लेने की हमारा ये रहता है कि हमें अच्छा कॉन्फ़िगरेशन वाला, अच्छा स्पेसिफिकेशन वाला कंप्यूटर अगर चाहिए, मतलब सिस्टम अगर चाहिए, तो उस टाइम पे लैपटॉप में अगर आप खर्चा करोगे तो लैपटॉप उतना अच्छा नहीं मिलेगा। सपोज़ आपका बजट है 50,000, तो 50,000 का अगर आप लैपटॉप वहाँ पे खरीद लेते हो, तो उतने ही 50,000 का आप डेस्कटॉप लेते हो तो वो अच्छा कॉन्फ़िगरेशन वाला मिलेगा। वहाँ पे रैम, ग्राफिक कार्ड, सारी चीज़ें आपको अच्छा कॉन्फ़िगरेशन वाली मिलेगी, यहाँ पे कम रेट में सारी चीज़ें अच्छी मिलती है, तो डेस्कटॉप लेना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा अगर आपको अच्छा स्पेसिफिकेशन चाहिए तो। अगेन, तो यहाँ पे आपको पैसा मैटर करता है, आपका बजट अगर कम है तो आप डेस्कटॉप की तरफ जाइए, बजट ज़्यादा है आप अच्छे से लैपटॉप लेना चाहते हैं, और वो पहले तीन वजह मैंने आपको बताई उसकी वजह से अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हो तो ले सकते हैं, क्योंकि स्पेस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इलेक्ट्रिसिटी का अगर प्रॉब्लम है तो भी आप लैपटॉप ले सकते हो, और पोर्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है, मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो भी आपको लैपटॉप लेना है। और डेस्कटॉप यूज़ करने की एक खास बड़ी वजह और भी है, जैसे कि वर्किंग कम्फर्ट। अगर आपको घंटों काम करना है, 8-9 घंटा कंप्यूटर में काम करना है, तो उस टाइम पर आप लैपटॉप की जगह अगर डेस्कटॉप पे काम करोगे तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि
यहाँ पे मॉनिटर आप अपने प्लेस की सबसे एडजस्ट कर सकते हैं, कीबोर्ड को और माउस को एडजस्ट कर सकते हैं और प्रॉपरली कंफर्ट बैठ के एडजस्ट करके काम कर सकते हैं। तो वर्किंग कंफर्ट अगर आपको चाहिए तो डेस्कटॉप लेना चाहिए, राइट दोस्तों। तो ये सारे एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा कि आपको लेना क्या चाहिए, राइट। ये सवाल का जवाब आपको डेफिनेटली मिला होगा कि आपको कौन से केस में लैपटॉप लेना है, कौन से केस में डेस्कटॉप लेना है। दोनों केसेस मैंने एक्सप्लेन किया डिटेल में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। साथ ही में कंप्यूटर हार्डवेयर डिटेल में सीखना चाहते हैं तो हमारे कोर्स है कंप्यूटर हार्डवेयर learnmopro.com, इस वेबसाइट के ऊपर या लर्न मोर ऐप डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिए, एक बार चेक कीजिए। इस ऐप पर बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिलती है। पावर पॉइंट और पब्लिशर कोर्स बिल्कुल फ्री में है आयुष सर्टिफिकेट के साथ। मैं मिलूंगा कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।